हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई एम श्योर बहुत अच्छे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। इसी के साथ आप सब सेफ रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए, अवॉइड कीजिए थोड़ा बाहर जाना एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ही बाहर जाइएगा। एंड इसी के साथ मैं आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। आई नो बैकग्राउंड देख के पता तो चल ही गया होगा, आज मैं फिर से कुकिंग करने वाली हूँ आप सबके लिए। एंड इट्स गोइंग टू बी पिंडी छोले, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। एनी हाउ आई लव पंजाबी फूड अ लॉट, सो मुझे लगा कि क्यों ना मैं शेयर करूँ एक पंजाबी रेसिपी, पिंडी छोले। इट्स बेसिकली अमृतसरी छोले, जो कि मैं आपको क्विकली शॉर्ट में बताऊंगी कि प्रेशर कुकर में कैसे बनाया जाए। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाया जाए। सबसे पहले लीजिए दो बड़े टमाटर और एक बड़ा अनियन, और मैंने चार चिलीज लिए हैं। आप अपने हिसाब से तीखे के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये मैंने छोले 12 घंटे भिगो के रखे थे, ये सब अभी हम छोटे 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 पीसेस में चॉप कर लेंगे। स्पेशली अनियंस मैं बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में चॉप करने वाली हूँ, और टमाटर आप अपने अनुसार चॉप कर सकते हैं, बिकॉज़ एनी हाउ वो जब हम फ्राई करेंगे तो गलने ही वाला है। और मैंने हरी मिर्च को बीच में से स्लिट कर दिया। आप कुकर ले लीजिए, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसमें एक दालचीनी, 4 लौंग एंड 4 कार्डमम और एक बे लीफ डाल के उसको खरे मसाले को भून लीजिए। 1 टेबल स्पून शाही जीरा और 4 हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी उसे भी भून लीजिए। उसमें मैंने हींग डाला है एंड जो हमने अनियन चॉप्स करके रखे थे वो भी हमने डाल के उसे हमें भूनना है। जैसे ही अनियन का कलर ट्रांसलेंट हो जाएगा उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसे हम भूनेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाएगा उसमें हम टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा गलने के बाद हम मसाले डालेंगे। उसमें हम पहले डालेंगे हल्दी, छोटा चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच क्यूमिन पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कोरिएंडर पाउडर। उसे हम भूनेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। जब तक ये मसाला भून रहा है, मीनवाइल हम 1 कप लेंगे, उसमें 2 टी बैग्स डाल के उसे हम 2 मिनट से 3 मिनट तक गरम करने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा मसाला पूरी अच्छी तरह से भुन चुका है, इसमें हम डालेंगे छोले जो हमने भिगो के रखे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला मैंने थोड़ा सा डाला खट्टेपन के लिए। उसके बाद हम चना मसाला डालेंगे, मैं इसमें 4 से 5 स्पून डालने वाली हूँ चना मसाला, जिससे स्वाद और इन्हेंस होगा। इसके साथ जो हमने टी बैग्स डाल के गर्म किया था पानी, वो 1 कप हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ मैं और 1/2 कप पानी डाल के इसको मैं प्रेशर कुकर में छोड़ दूंगी और 6 सीटी लगाने वाली हूँ, 3 सीटी हाई फ्लेम में, 3 सीटी स्लो फ्लेम में। छोले बन चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट छोले बन चुके हैं। और इसको अब मैं तड़का दूंगी। तड़के के लिए एक छोटा सा पैन लीजिए, उसमें मैंने 1/2 चम्मच घी डाली है, आपकी मर्जी, आप 1 चम्मच भी डाल सकते हो। उसमें मैं हींग डालूंगी एंड उसमें मैंने 2 लाल मिर्च लिए हैं सूखे वाले और थोड़ा सा राई ले लिया है। एंड ये तड़के को मैं अपने छोले में मिक्स कर दूंगी। उसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है, इसे अब 1 से 2 मिनट बॉईल कर दीजिए और छोले रेडी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पिंडी छोले रेडी। ट्रस्ट मी गाइस, आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। पहले भी मैंने ये ट्राई करा हुआ है, सेम एग्जैक्ट रेसिपी। होपफुली आप भी बनाइए और मुझे उसमें टैग कीजिए, बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज करती हूँ। होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप सबको कोई और न्यू डिशेस ट्राई करना है कि मैं बनाऊँ, सो प्लीज़ डू कॉमेंट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आई होप मैं आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखूँ और आप सबको एंटरटेन करते रहूँ। बाय, टेक केयर।